Hi friends, myself is Dr. D. Kumar and I am belonging to Barai district, Payagpur area. मेरा डेवन से एक विजन था एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर को रूरल एरियाज में डेवलप करने के लिए, ताकि यहाँ के पेशेंट जिसको दिल्ली या बड़े सेंटर्स की जरूरत थी उनको यहीं पर अच्छी सेवाएं मिल जाए। जियो के माध्यम से हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जस्ट उसको मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि मिनी वेदांता, कि पेशेंट यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी, एक्सपर्ट, जनरल फिजिशियन, एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट, सारी सेवाएं मिल रही हैं। एंड रूरल एरियाज के लोगों को भी जियो से अभी भी बहुत काफ़ी उम्मीदें जगी हैं, ताकि उनका जो एक तो ट्रेवलिंग टाइम एंड जो इधर उधर भटकने वाला रहता है, कि प्रॉपर डायग्नोस के लिए प्रॉपर डॉक्टर ना अवेलेबल हो पाना बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। तो यहाँ के जितने रिनाउंड फैमिलीज थे उनसे भी मैंने फीडबैक लिया, सबका थैंक्स था जियो एंड वी केयर के लिए। कुछ पेशेंट जो हमारे 5 to 6 ईयर्स के स्किन के हुए, न्यूरो के हुए एंड गायनी के थे, जिसको सही इलाज नहीं मिल पा रहा था एंड वो अपने लाइफ से एकदम निराश हो चुके थे, उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, ये मानते चल रहे थे कि हमें अब इसी ऐसी जिंदगी जीना पड़ेगा। उन सबको हमने यहाँ क्लोज किया है। स्किन के अगर हम बात करें, एला राव साहब का पेशेंट था, मिस्टर किशन कुमार था। न्यूरो के पेशेंट हमारे 2-3 किट्टी अनाप सर के अंडर में चल रहे थे, वो सारे इम्प्रूव किए, जिससे दुर्गेश थे, सरिता थी, अनीता थी। गायनी में भी हमारी चमेला को जिसको प्रॉब्लम थी और 6 साल से लगभग 8-10 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। कुसुम सवालिया मैम के अंडर में उसका ट्रीटमेंट चला और आज के डेट में वो हेल्दी लाइफ जी रही है। तो आने वाले टाइम में और भी पेशेंट हमारे पास आए डे बाय डे। मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी मेरे हेल्थ पार्टनर्स हैं रूरल एरियाज में और डिगिंग करें, कितने क्रोनिक पेशेंट्स हैं उनको यार एज ए ज्वाइंट वेंचर हम लोग काम करके निकालें, नई लाइफ दें, नई जिंदगी दें, ताकि पैसा अर्निंग तो एक सेकेंडरी है, नई जिंदगी देने के बाद आपको जो खुशियाँ मिलती हैं वो आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते हो। अगर 8-10 पेशेंट भी आपके इस तरह इम्प्रूव हो गए तो मुझे नहीं लग रहा आपको पेशेंट की जरूरत पड़ेगी इतनी कि हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़े, सब सारी अपने आप आपकी ओपीडी खुल रहेंगी, जो मेरा मानना है। बहुत बढ़िया सर,